नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। क्या यशवंत क्लब देश का नंबर वन क्लब बनेगा? ऐसा क्या होगा इस क्लब में? यशवंत क्लब के अध्यक्ष परमजीत सिंह छाबड़ा ने दावा किया है कि वो यशवंत क्लब को देश का नंबर वन क्लब बनाएंगे। छाबड़ा ने सभी सदस्यों को जो पत्र लिखा है उसका मजमून कुछ इस तरह से है। छाबड़ा ने अपने पत्र में लिखा है कि यशवंत क्लब को बने 85 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक इस क्लब में इतना बड़ा और विशाल प्रोजेक्ट नहीं आया। हमारा इस प्रोजेक्ट को लाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर का क्लब भी देश में नंबर वन हो। ये विशाल प्रोजेक्ट को लाने के पूर्व हमने इसका गंभीरता से गहन अध्ययन किया, विशेषज्ञों की राय ली और सभी पहलुओं को गंभीरतापूर्वक आकलन किया। मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ये ऑडिटोरियल क्लब के सदस्यों को भी किराए पर नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्लब के प्रोग्रामों के लिए उपयोग होगा। वर्तमान में हम कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष 35 लाख रुपए साउंड, लाइट व टेंट के किराए पर खर्च करते हैं, जबकि ऑडिटोरियम बनने के बाद उसके रखरखाव का खर्च 15 लाख रुपए सालाना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तब भी क्लब को 20 लाख रुपए हर वर्ष बचेंगे। यही नहीं, इसके बनने से क्लब में होने वाले विभिन्न जलसों में हमें जो पार्किंग की समस्या आती है उसका भी अंत हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाते समय हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि वर्तमान सदस्यों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या तकलीफ ना हो। कुछ लोग चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट पास ही ना हो, इसलिए वे भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से हम क्लब को एक नई गति देंगे और तब ये क्लब देश का सर्वश्रेष्ठ क्लब होगा। यशवंत क्लब के अध्यक्ष परमजीत सिंह छाबड़ा ने सभी सदस्यों के लिए ये पत्र लिखा है और कहा है कि यशवंत क्लब को देश का नंबर वन क्लब बनाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।